विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में तीसरी लहर शुरू होने का ऐलान कर दिया है। संगठन के चीफ डॉक्टर टेड्रोस ने बुधवार को देशों को चेतावनी दी कि वे कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती दौर में आ चुके हैं। उन्होंने दोहराया कि सिर्फ वैक्सीन से महामारी नहीं रोकी जा सकेगी, देश को इससे निपटने के लिए लगातार सावधानी रखनी होगी। कई देशों ने दिखाया भी है कि इस वायरस को रोका जा सकता है। इधर भारत में भी इसका खतरा करीब दिखाई दे रहा है। एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने आगाह किया कि डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों और वायरस के म्यूटेट होने से देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जल्द ही सच में बदल सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोरोना के मामलों और मौतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी पर अलार्म बजाया है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ने से इनमें गिरावट आई थी। यूनाइटेड नेशंस की मीडिया विंग का कहना है कि दुनिया भर में लगातार चौथे हफ्ते कोरोना के मामलों में बढ़त दर्ज की गई है। 10 हफ्ते की गिरावट के बाद मौतें भी दोबारा बढ़ने लगी है। WHO चीफ ने कहा कि वायरस लगातार खुद में बदलाव कर रहा है, इसके साथ यह ज्यादा संक्रामक होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि डेल्टा वेरिएंट अब WHO के सभी 6 रीजन और 111 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। यह जल्द ही पूरी दुनिया में भी फैल सकता है। वायरस का अल्फा वेरिएंट 178 देशों में, बीटा 123 देशों में और गामा 75 देशों में मिल चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा नए केस ब्राजील में मिल रहे हैं। बीते 24 घंटों में इनकी संख्या 57,000 से ज्यादा रही। पिछले हफ्ते यहाँ करीब 3.5 लाख केस मिले हैं। हालांकि यहाँ नए मामलों में 14% की गिरावट आई है। इसी दौरान इंडोनेशिया में 45%, ब्रिटेन में 28%, अमेरिका में 67% और स्पेन में 61% तक मामले बढ़े हैं। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में मौतों के मामले में भारत सबसे आगे है। यहाँ 6,000 नई मौतें दर्ज की गई है। इसके बाद इंडोनेशिया और बांग्लादेश है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक UBS सिक्योरिटीज इंडिया की चीफ इकोनॉमिस्ट तन्वी गुप्ता जैन ने कहा कि कई राज्य पाबंदियों में ढील दे रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं, इस वजह से तीसरी लहर का जोखिम और ज्यादा हो गया है। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी है। पहले भारत में औसतन 40 लाख डोज हर दिन लगाए जा रहे थे, अब यह संख्या 34 लाख तक आ गई है। यह स्थिति इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि अब 45% केस ग्रामीण इलाकों में सामने आ रहे हैं।